नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर एमएलए श्री पन्नाचंद मेघवाल, जो बारा अटरू से विधायक है, इन्होंने नियमितीकरण और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पे प्रश्न पूछा है। क्या सरकार मदरसा में कार्यरत पैरा टीचर्स को नियमित करने की योजना रखती है? दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछा है और साले मोहम्मद जो मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा ही दोस्तों आप देख रहे हैं, राजस्थान असेंबली में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है माननीय जो बगरू अटरू से विधायक है पन्ना चंद जी द्वारा। क्या प्रश्न है मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे तारांकित प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है माननीय एमएलए साहब द्वारा, प्रदेश में मदरसों में कार्यरत पैरा टीचर्स के नियमितीकरण करने की कार्य योजना, और साले मोहम्मद जो पोखरण से मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया है। क्या है जवाब, आइए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं आप, मदरसों में जो पैरा टीचर्स है उनके नियमितीकरण को लेकर यहाँ पे श्री पन्नाचंद जी मेघवाल, जो बारा अटरू से विधायक हैं, इन्होंने पूछा है क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मदरसों के विकास और आधुनिकरण के लिए राशि मिलने में विलम्ब हो रहा है, यदि हाँ तो क्यों, विवरण सदन की मेज पे रखे। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा, प्रदेश में मदरसों में कुल कितने पैरा टीचर्स कब से कार्यरत है, उन्हें कितना मानदेय दिया जा रहा है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या सरकार प्रदेश के मदरसों में कार्यरत पैरा टीचर्स को नियमित करने का विचार रखती है, यहाँ यदि हाँ तो कब तक। चौथा यहाँ पे प्रश्न पूछा है, क्या प्रदेश की सरकार मदरसों में पैरा टीचर्स के भर्ती करने की कोई योजना है, यदि हाँ तो कब तक। क्या सही है कि विगत 5 वर्षों से कई मदरसे बंद हो चुके हैं, यदि हाँ तो क्यों, और विवरण सदन की मेज पर रखने के लिए यहाँ पे बोला है। तो दोस्तों, जो साले मोहम्मद जी हैं इन्होंने यहाँ पे इनका जवाब दिया पन्नाचंद जी मेघवाल के सवालों का। इन्होंने 5 सवाल पूछे मदरसा पैरा टीचर्स को लेकर। इन्होंने कहा कि जो पहला सवाल पूछा है कि विलंब क्यों हो रहा है मदरसों में आधुनिकरण और जो विकास की राशि मिलने पर, तो इन्होंने कहा कि हाँ विलंब हो रहा है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा मदरसों के विकास और आधुनिकरण के लिए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन मदरसा योजना वर्ष 2013-14 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भिजवाए गए प्रस्तावों में से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है, केवल मात्र 2013-14 में स्वीकृत की गई कुल राशि 650.42 लाख रुपए में से शेष रहे केंद्रांश 195.13 लाख रुपए के विरुद्ध 169.92 लाख रुपए वर्ष 19-20 में दिया जाना स्वीकृत किया गया है जो केंद्र सरकार से प्राप्त होना शेष है। इसके अलावा इन्होंने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, मैं बता दूं मदरसा पैरा टीचर्स का कुल कितने मदरसा पैरा टीचर्स हैं और उनको कितना मानदेय दिया जा रहा है, तो इन्होंने जवाब दिया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में वर्ष 2001 से विभिन्न चरणों में नियुक्ति पश्चात वर्तमान में कुल 5897 शिक्षा सहयोगी कार्यरत है। शिक्षा सहयोगियों को चरणवार नियुक्ति के आधार पर न्यूनतम मानदेय 7602 रुपए एवं अधिकतम मानदेय 9475 रुपए दिया जा रहा है, और चरणवार नियुक्ति व मानदेय का विवरण परिशिष्ट 1 में यहाँ पर संलग्न कर दिया। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि कुल 5897 शिक्षा सहयोगी कार्यरत है जिनको मानदेय 7602 रुपए से लेकर 9475 रुपए तक मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने एक अन्य क्वेश्चन भी पूछा है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्या सरकार मदरसों में कार्यरत पैरा टीचर्स को नियमित करने का विचार रखती है, तो इन्होंने कहा कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय के आदेश क्रमांक P5 दिनांक 1/1/2019 के द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के लिए बुलाकी दास कल्ला, जो माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगी के संबंध में चाहिए गई सूचना मंत्री स्तरीय समिति को यहाँ पे प्रेषित कर दी गई है, और जो अंतिम निर्णय है वो समिति का ही रहेगा। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, क्या मदरसा पैरा टीचर्स की भर्ती की जानी प्रस्तावित है, तो इन्होंने कहा कि संविदा के आधार पर लगाए गए हैं मदरसा शिक्षा सहयोगी। वर्तमान में मदरसा बोर्ड में पैरा टीचर्स की कोई भर्ती प्रक्रियाधीन व प्रस्तावित नहीं है। पांचवा इन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या
कई मदरसे बंद हो चुके हैं, तो इन्होंने कहा है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकरण की शर्त पूर्ण नहीं करने के कारण कुल 661 मदरसे डीरजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों बड़ी अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में निकल के आ रही है। मदरसा पैरा टीचर्स को लेकर पन्ना रंजन मेघवाल जो 12 अठरू से विधायक हैं, इन्होंने प्रश्न यहाँ पे असेंबली में पूछे हैं और साले मोहम्मद द्वारा जो मंत्री महोदय हैं उनके द्वारा यहाँ पे जवाब दिया गया है। मदरसा पैरा टीचर्स कुल शिक्षा सहयोगी जो है वो 1897 जो 6602 रुपए से लेकर 9475 रुपए में कार्यरत है, और जो इनका नियमितीकरण की प्रोसेस है वो माननीय ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया है उसको प्रेषित की जा चुकी है। अंतिम निर्णय समिति का ही होगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर। दोस्तों नियमितीकरण पर जो सवाल पूछा पन्ना चंद जी मेघवाल द्वारा उस पे साले मोहम्मद ने जवाब दिया मंत्री महोदय ने कि जो मदरसों में कार्यरत जो पैरा टीचर्स हैं उनकी जो सूचनाएं हैं वो माननीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता की समिति में फॉरवर्ड कर दी जा चुकी है और समिति के अधीन नियमितीकरण की योजना प्रक्रिया अधीन है। जैसे ही अंतिम फैसला होगा इनके नियमितीकरण का कार्य इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।